शोर सब गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा ये जो रेनेसा वाला मॉडल मेरे को दिख रहा है एटम्बर की तरफ से, और इस तरीके से ये रिमोट होता है। अगर मान लो मैंने इसको रिमोट से ऑन किया और रिमोट से ये ऑन हो गया, और फिर से दोबारा मैंने रिमोट से ऑफ़ कर दिया, या देखो मैंने रिमोट से फिर से दोबारा ये ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद क्या होगा आपका, शायद मान लो आपके पास ये रिमोट ख़राब हो गया है, या रिमोट आपके बच्चे ने ये तोड़ दिया है, तो आप कैसे इसको ऑपरेट करोगे और कैसे इसको स्पीड को एडजस्टमेंट करोगे, वो हर टाइम के लिए नहीं है। मैं सिर्फ आपको कहीं पर भी अब मुसीबत में पड़ा हुआ है तब जाके ये अप्लाई करना है, हर टाइम ये मत अप्लाई करो तो आपका पीसी भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। चलिए ये देखो, ये जो मेरा रिमोट है इसको मैंने अप्लाई नहीं करूँगा, और इसके से ये देखो ये मैंने ऑन किया रिमोट से और ये रिमोट से ऑफ कर दिया। इसको मैंने क्या करूँ बाद में, इसको ये देखो मैंने रिमोट से ऑफ़ कर दिया। रिमोट का बैटरी भी मैं यहाँ पर खोल लेंगे, यहाँ पर देख सकते ये रिमोट का बैटरी मैंने खोल दिया है। चलिए मेरा जो स्विच बोर्ड है उसको सहायता से मैंने कैसे इसको स्पीड को एडजस्ट करूँगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्विच बोर्ड की तरफ से मेरा हाथ यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ़ैन का स्विच है, और यहाँ पे फ़ैन का ये जो सिग्नल अब देख ही सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑन किया है। ऑन करने के बाद यहाँ पे तीन बार टॉगल करेंगे, ये देखो 1 स्पीड 2 स्पीड 3 4, जितने बार यहाँ पे ऑन ऑफ करेंगे उतना स्पीड में ये रनिंग हो जाएगा। ये देखो रिमोट, बिना रिमोट के मदद से मैंने ये स्पीड को कंट्रोल किया है। ये जो रिमोट आप देख पा रहे हो अभी भी इसका बैटरी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये फ़ैन भी रन हो गया, और रिमोट की मदद से मैंने स्पीड कंट्रोल नहीं किया, ये रिमोट की मदद से मैंने ऑफ भी करवा था। यहाँ पर देखो ये रिमोट से मदद रिमोट के बिना मैंने इसको ऑन कर दिया, रिमोट से मैंने पावर ऑफ किया लेकिन रिमोट के बिना मैंने पावर ऑन कर दिया। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे मैंने रनिंग कंडीशन में ये रनिंग हो गया, ठीक है। अभी भी आपके पास रिमोट नहीं है तो आप कैसे करोगे इसको मैंने सिंपली फिर से दिखाऊंगा। मेरा स्विच बोर्ड का कनेक्शन में यहाँ पे देखो, ये स्विच बोर्ड कैसे मैं टोल करूँगा वो आपको बताऊँगा। पहले चलिए इसको मैंने ऑफ कर रहा हूँ, ये देखो ये स्विच बोर्ड का कनेक्शन है, ये मैंने ऑफ कर दिया, और यहाँ पर ये मैंने ऑफ़ कर दिया। यहाँ पे देखो रिमोट का बैटरी अभी भी खुला हुआ है। यहाँ पे देखो, ये देखो ये फ़ैन ऑन करने के टाइम, यहाँ पे आप एलईडी इंडिकेटर पे ध्यान दीजिए, ये देखो ये एलईडी जब एक साथ ब्लिंक करेगा तब ये टॉगल करना है आपको तीन बार। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो स्पीड कंट्रोल हो रहा है ना, ये देखो पूरा स्पीड कंट्रोल होगा। मेरा हाथ का वीडियो आपने देखा होगा, मेरा हाथ का वीडियो यहाँ पे है, ये ऊपर में मैंने दे दिया, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, हर टाइम इसको अप्लाई मत कीजिए, मैं हर बार बोल रहा हूँ हर टाइम मत अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आप कभी भी मुसीबत में पड़ा हुआ है तब जाके आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये गर्मी के सीज़न में अगर आपका रिमोट खो गया या रिमोट ख़राब हो गया, आपका रिमोट का बैटरी डैमेज भी हो गया, तो भी ये ट्रिक आपको काम आएगा। अगर इस वीडियो से आपको इस एटम्बर फैन से कुछ नया सीखने को मिला या कुछ नया टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता चले तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे नया नया टेक्नोलॉजी वाला वीडियो आने वाला है। और यहाँ पे स्विच को मैं फिर से दोबारा ऑफ़ करूँगा, अगर ऑफ़ करना चाहते हो तो ये स्विच को दोबारा ऑफ़ करूँगा, ये ऑफ़ हो जाएगा, फिर से दोबारा मैं ऑन करूँ तो यहाँ पर फिर से दोबारा पूरा स्पीड में जितना स्पीड है वो स्पीड में आ जाएगा। दोबारा आपको एक स्पीड पे ले आना है तो उसी प्रोसेस को आप अप्लाई कीजिए, आपको ये दोबारा ये स्पीड 1 पे आ जाएगा। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, अगर नया सीखने को मिला चैनल को लाइक्स कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने मत भूलिए। टेक केयर, बाय बाय।